नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी से मैं शिव बलिया एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम पहुंच चुके हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र सुखबाग में, जहां से लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से हाल में ही अभी कुछ ही समय पहले मतदान केंद्र अहजू से आपको तस्वीरें दिखाई गई, किस तरह से मतदान चला है, हालांकि बेहद ही कम लोग वहाँ हमें देखने को मिले। हालांकि व्यस्तम के चलते लोग अपने अपने समय के अनुसार मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल इसमें की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदान केंद्र सुखबाग में अभी हम पहुंचे हैं, तो अभी हमें यहां के स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किया गया है कि पोलिंग बूथ नंबर 72 सुखबाग में पिछले एक घंटे से अधिक समय हो चुका है, ईवीएम मशीन कार्य नहीं कर रही है। तकनीकी खराबी आने के कारण ईवीएम मशीन कार्य नहीं कर रही। हालांकि अधिकारी अभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पे समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पे काफी लंबे समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से बात करने का प्रयास करेंगे, कितने समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नारी शक्ति बढ़ चढ़कर यहाँ पे पहुंच रही है। हालांकि मतदान केंद्र अहजू से हमें तस्वीरें दिखाई, बेहद ही कम लोग वहां हमें देखने को मिले, लेकिन सुखबाग में जिस तरह से नारी शक्ति यहाँ पे भारी उत्साह जोश के साथ मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। जी नमस्कार, आपको शुभ नाम। नमस्कार सर, मेरा नाम भारत भूषण है जी, और मैं पेशे से व्यापारी हूँ। वैसे तो हम दुकान छोड़ के आए हूँ, एक घंटा हो गया लगभग यहाँ पे जी। तो मेरी मदर भी आए थे पहले, फादर भी आए थे, तो स्पेशल गाड़ी लेके आए थे हम। तो अभी उनको तो भेज दिया हमने, पर अब जब हमने पोलिंग बूथ में पूछा कि कहते हैं अभी आधा घंटा लगेगा। तो आप एक घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके साथ जो आपके परिवारजन जो यहाँ मत केंद्र की ओर पहुंचे थे वो वापिस चले गए हैं? उनको भेज दिए वापिस। काफी लोग जैसे लेडीजें बैठी हैं, जो भी जेंट्स आए थे साथ में, कोई व्हीकल लेके आए थे, गाड़ी लेके आए थे, जितने भी जेंट्स वगैरह आए थे वो जेंट्स सब चले गए हैं और लेडीजें वेट कर रही हैं। तो अधिकारियों ने क्या बताया, किस तरह की समस्या जो आ रही है, ईवीएम कार्य नहीं कर रही है? आधा घंटा लगेगा कहते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कहते, आधा घंटा लगेगा जी। जी तो अभी आधा घंटा तो देखते हैं, बैठे हैं अभी जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे किस तरह से इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी समय से यहाँ पे ईवीएम मशीन जो कार्य नहीं कर रही है, पोलिंग बूथ नंबर 72 सुखबाग से जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण लोग यहाँ पे करीब एक घंटे से अधिक जो समय यहाँ पे हो चुका है, आप देख सकते हैं नारी शक्ति किस तरह से इंतजार यहाँ पे कर रही है, मत केंद्र की ओर पहुंची, अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। हालांकि इनका कहना है कि घर जाएंगे, मत का अपना प्रयोग करके ही घर यहाँ से जाएंगे, तब तक यहाँ पे इंतजार करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी नमस्कार, आपका नाम? जी कितना समय आपको यहाँ पे हो गया है? एक घंटा आपको हो चुका है। तो अभी आपने बात की, कितना समय यहाँ पे लगेगा, क्या कहा गया आपको? हो जाने थोड़ी देर में ठीक जी। तो आप जाना, अब तो मैकेनिक आ चुके हैं जी। जी तो आप बोर्ड डाल के ही जाएंगे? हाँ जी 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 जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? हमें तो डेढ़ घंटा हो गया। अच्छा, डेढ़ घंटा आपको यहाँ पे हो चुका है, आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। तो बोर्ड डाल के ही आप जाएंगे? जाएंगे, तो इतने दूर से आए हैं तो फिर कहाँ से आए हैं, कौन से क्षेत्र से आए हैं? जी 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 जी। आपका शुभ नाम? रमन देवी जी। हम आधा घंटा से बैठे हैं। अच्छा, आधा घंटा आपको हो चुका है। हम वोट डाल के जाएंगे, वोट डाल के जाएंगे, चाहे कितने भी समय यहाँ पे लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं, किस तरह से उत्साह यहाँ पे देखा जा सकता है। काफी समय से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, करीब एक घंटे से अधिक यहाँ इन्हें समय हो चुका है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि वोट डाल के ही घर जाएंगे, उससे पहले यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ईवीएम मशीन यहाँ पे ठीक हो चुकी है, अभी ही अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे। अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से जो तकनीकी समस्या यहाँ पे आ रही थी उसकी जांच यहाँ पे की गई, तो शुरू अभी यहाँ पे हो चुका है। हालांकि लंबे समय से महिलाओं द्वारा यहाँ पे इंतजार किया गया, हालांकि इनका कहना कि वोट डालने के बाद ही घर जाएंगे, जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मत केंद्रों की ओर पहुंचे हैं। तो मशीन अभी यहाँ पे ठीक हो चुकी है, हालांकि लोग यहाँ पे बेहद ही कम देखे जा सकते हैं। जिस तरह से इससे पहले पोलिंग बूथ नंबर 62-63 अहजू से भी आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरह का उत्साह और जोश के साथ लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्र सुखबाग से, जहाँ पर पिछले कुछ समय से जो तकनीकी समस्या चल रही थी, ईवीएम मशीन जो यहाँ पे कार्य नहीं कर रही थी, हालांकि
अभी ईवीएम मशीन यहाँ पे ठीक हो चुकी है, अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह के प्रतिनिधि को ये चुनने जा रहे हैं। आज जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत लोकसभा उपचुनावों के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, किस तरह का उत्साह हमें देखने को मिल रहा है? जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुखदेव जी। जी तो सुखदेव जी, आपने अपना वोट डाल दिया है? वोट डाल दिया जी। डाल दिया वोट आपने? जी जी। तो किस तरह का, क्या आपको देखने को लग रहा है, किस तरह का प्रतिनिधि आप चुनने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जैसे जैसे भी होगा, बस बोर्ड डाल दिया। बोर्ड डाल, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी 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 जी, शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं लोग भारी उत्साह और जोश के साथ पहुंच रहे हैं, हालांकि अपने अपने समय के हिसाब से ही लोग आ रहे हैं, व्यस्तम जो दिन जो लोगों के चले हैं, हालांकि लोग फिर भी मत केंद्रों की ओर पहुँचते हुए देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की तैनाती भी सभी पोलिंग बूथों में की गई है, ताकि पूरी तरह से सुरक्षा सावधानी का ध्यान जो रखा जाए। जी तो बीएलओ जी भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह की जो तैनाती यहाँ पे की गई है, किस तरह का कार्य यहाँ पे देख रहे हैं। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? सीमा देवी। जी तो मैम, जिस तरह से ड्यूटी आपकी यहाँ पे लगी है, क्या कार्य देख रहे हैं? सेकंड टू की हूँ मैं, 72 सुखावाग सेकंड, और 72 सुखावाग ए भी मिला है मेरे को। जी जी, बूथ है मेरे पास। वोटिंग ठीक से चल रही है, थोड़ी सी 72 की मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई थी, आ गई है मशीन, लेकिन अब मशीन हम बदल दिया, सुचारू रूप से काम शुरू हो गया है अब। जी शुक्रिया, बात लोग बढ़िया से आ रहे हैं, तो उस वोटिंग पहुंच रहे हैं। हालांकि व्यस्तम जो लोगों का दिन चले हैं आजकल, तो काम वगैरह तो, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं। हमने डोर टू डोर पर्चियां वो दी हुई हैं, तो वो डिसिप्लिन से आ रहे हैं, डिसिप्लिन से कर रहे हैं काम। जी जी जी, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अभी हमारे साथ बीएलओ जी अभी हमारे साथ मौजूद थे, जैसा जानकारी दी कि पूरी तरह से मुस्तैद है, हालांकि लोग व्यस्तम जो शेड्यूल के चलते फिर भी अपने अपने मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बकायदा आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की तैनाती यहां पे की गई है, जिस तरह से अभी हाल में कुछ समय पहले मतदान केंद्र अहजू से आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरह का स्थिति है वहाँ पर, और अभी हम पहुँच चुके हैं मतदान केंद्र सुखबाग में, जहाँ से आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। हालांकि अहजू जो पोलिंग बूथ है, अति संवेदनशील श्रेणी में उसे रखा गया है, इसके लिए बकायदा एसएसबी के जवान वहां पे तैनात किए गए हैं। जिस तरह से आपको पहले भी जानकारी दी है कि विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में 4 अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ घोषित किए गए हैं, इसके अलावा 25 जो ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन्हें संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो फिलहाल तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं, लोग कतारों में यहाँ पे लग चुके हैं, हालांकि लंबे समय से जो तकनीकी खराबी आ रही थी, तो अभी मशीन को यहाँ पे बदल दिया गया है, अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, तो फिर से सुचारू रूप से यहाँ पे लोग अपने मत का प्रयोग करना यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। पूरी तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, पोलिंग पार्टी यहाँ पे पिछले कल ही यहाँ पे पहुंच चुकी है, पूरी तरह से एहतियात यहाँ पे बरती जा रही है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं 3 जो पोलिंग बूथ यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, हालांकि पोलिंग बूथ नंबर 72 में कतारें यहां पे देख सकते हैं, हालांकि लंबे समय से जो तकनीकी खराबी के चलते मशीन यहां पे कार्य नहीं कर रही थी, लेकिन अभी अधिकारी यहां पे पहुंचे थे, अधिकारियों द्वारा यहां पे मशीन को सुचारू रूप से यहां पे शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग किस तरह के उत्साह के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो जिस तरह से अभी हम पहुंचे थे उपमंडल जोगिंद्रनगर के मतदान केंद्र सुखवाग में, जहां से लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इससे पहले आपको मतदान केंद्र अहजू से तस्वीरें दिखाई गई, हालांकि अहजू बूथ को अति संवेदनशील जो घोषित किया गया है, इसके लिए बाकायदा पुलिसकर्मी और एसएसबी के जवान पूरी तरह से अहजू पोलिंग बूथ में तैनात हैं। और अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुखवाग मतदान केंद्र से, जहां से आप देख सकते हैं लोग यहां भी उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आप सभी को विदित है, इससे पहले भी आपको बताया कि लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आज चौंतरा क्षेत्र के आसपास के सभी मतदान केंद्रों से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास करेंगे, जानेंगे किस किस पोलिंग बूथ में किस तरह के उत्साह के साथ लोग पहुँच रहे हैं, कितनी प्रतिशत कितनी मात्रा में यहाँ पे अभी तक जो मतदान हो चुके हैं, ये तमाम जानकारी आज आपके साथ पूरा दिन हम साझा करेंगे। इसी के साथ ही मैं शिव वालिया आप सभी से विदा चाहता हूँ।
इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंदर नगर एहजू से मैं शिव वालिया, धन्यवाद।